भारत जोड़ो यात्रा दिल को जोड़ने वाली यात्रा है, नकुल दुबे। खबर गोंडा जनपद से है। प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे के नेतृत्व में गोंडा जिले के कांग्रेस जनों ने हजारों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस भवन से शुरू होकर जिगर स्कूल चौक बाजार पीपल चौराहा गुड्डूमल चौराहा गुरु नानक चौराहा लाल बहादुर शास्त्री चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पदयात्रा समापन कर बहराइच जिले के लिए प्रस्थान किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते हुए दुबे ने कहा कि यह यात्रा दिल को दिल से जोड़ने के लिए जात पात धर्म साहब के भेदभाव को भूलकर आपसी भाईचारा बनाते हुए देश को मजबूत करते हुए महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस यात्रा का अहम मतलब है कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि देश में नफरत को हटाया जाए, भाईचारा को कायम रखा जाए, क्योंकि देश तभी तरक्की करेगा जब देश के अंदर भाईचारा अमन चैन शांति और साथ साथ महंगाई बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर भी कांग्रेसी गंभीर है और निरंकुश भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश को जात पात में बांटने से बचाने के लिए यात्रा जरूरी है। इस बात को समझते हुए राहुल गांधी ने लोगों के बीच जाकर प्रेम भाव भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारत में नौ यात्रा की जा रही है, जिसका मतलब है कि देश की धरोहर को बचाया जाए, बेरोजगारी महंगाई पर अंकुश लग सके। ये तभी संभव है जब देश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार होगी। यात्रा में प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनुज पुनिया, बृजेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता शिव कुमार दुबे, पीसीसी सदस्य प्रमोद मिश्रा, अब्दुल रहमान, तरुण पटेल, रफिक रैनी, सेवा दल के प्रद्युमन शुक्ला, जलील अहमद खान, ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, रमा कश्यप, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनकर, दिलीप शुक्ला, रघुपति त्रिपाठी, विवेकानंद तैयब चौधरी, बेबी मिश्रा, डॉक्टर पप्पू लू पंडित, शिव प्रसाद, हरिराम वर्मा, हरिश्याम सोनी अध्यक्ष यूथ कांग्रेस एनएसयूआई फ्रंटल संगठन, तमाम कांग्रेसी हजारों की संख्या में पदयात्रा में शामिल। कौन सी यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? माननीय राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है कि वो नफरत जो फैलाने वाली सरकार है, जो हमारे समाज के दिलों में दरार डालने वाली जो सरकार है, जिसने समाज को धर्म और जाति और समुदायों के आधार पर बांट के रख दिया है, उसको ख़त्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने निकाली। जिस यात्रा में वो लोगों की समस्या सुनते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से 5-6 राज्यों से होकर निकल चुके हैं और लाखों करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई है और उसी क्रम में उनका संदेश लेकर के माननीय नकुल दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ अवध प्रांत में हम लोग 11 जिलों की यात्रा पे पदयात्रा पे निकले हैं। उन्हीं का शांति का संदेश है, नफरत को मिटाने का संदेश है और भारत के सभी समाज के लोगों के दिलों को जोड़ने का संदेश। बीजेपी ये कह रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ आप रैली नहीं पदयात्रा निकालते हैं। देखिए, पदयात्रा का जो मकसद था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकदम बीच में से होके निकलना, बीच में से जहाँ जो प्रदेश पड़ेगा वहीं पे जाएंगे और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव जिस प्रदेश में है वहाँ पे वहाँ के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी भी कुछ समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा में से निकाल करके वहाँ गए हैं, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल में जो है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में बीच के ब्रेक में जाके और स्वेरिंग इन सेरेमनी पूरी करा के और वो वापस लौटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन उनका जो मकसद है वो किसी चुनाव या किसी राजनीति या उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद है बाहर सारे लोगों के दिलों को जोड़ना, जो नफरत दरारें पैदा हो गई हैं उसको मिटाना। ये यात्रा कैसे 2024 में देखा हम माननीय राहुल गांधी जी लगातार चलेंगे और हम लोग उनका संदेश लेकर 2024, 2025, 26 जब तक समय जितना समय लगेगा दिलों को जोड़ने में, भारत को जोड़ने में, उतना समय हम लोग देंगे और लगातार चलते क्या आपको क्या लगता है कि अभी लोग भारत से जुड़े नहीं है क्या? भारत से जुड़ने की बात नहीं की है मैंने जी। भारत के अंदर दरारें पैदा करती हैं, समाज में दरारें पैदा करती हैं, धर्म के आधार पर दरारें पैदा करती हैं, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर दरारें पैदा करती हैं। अगर ये जो अगर नहीं जब ये भारत जुड़ने का हमारा सिलसिला पूरा कामयाब हो जाएगा तब आप देखेंगे ना जिलों की बाउंड्री दिखेगी आपको नक्शे पे, ना प्रदेश की बाउंड्री दिखेगी, केवल और केवल भारत दिखेगा वहाँ पे और भारतीय दिखेगा।
डॉक्टर साहब देखिए, मैंने अभी भी कहा है, दोबारा पुनः दोहराता हूँ कि परम सम्मानित श्री राहुल गांधी द्वारा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा का बहुत स्पष्ट उद्देश्य ये है कि हम अपने देश के एक एक नागरिक को जोड़ें, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें, देश को बेचने नहीं देना है, देश को गुलामी की राह पर नहीं जाने देना है, देश में पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होने देना है, देश में ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा नहीं आने देनी है, देश में झूठ का बोलबाला नहीं होने देना है, देश में महंगाई को तत्काल रोकना है, देश में भाईचारे को बनाना है, देश को विकास के राह पर ले चलना है, देश में इस तरह का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है या बनाने का प्रयास कर रही है, उसको तत्काल समाप्त करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली गई है। हम लोगों को क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में जाना था, तो हम लोगों को भी निर्देश है, हम लोग भी आज उसी निर्देश के क्रम में गोंडा में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इसके आगे हम लोग अन्य जनपदों में भी जाने कार्य करेंगे। जिस तरीके से गलवान घाटी में विवाद बढ़ा हुआ, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, गलवान घाटी में जब से ये इन्होंने मोदी जी ने सत्ता संभाली है 2014 से ही, तब से लगातार वहाँ पर चाइनीज तमाशा करने का कार्य कर रहे हैं। आप तो अपने झूले 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 में उनके मगन है, लेकिन वो 50-60 किलोमीटर हमारे क्या कर रहे हैं भाई, अंदर आकर कब्जा कर चुके हैं, उनको लोग नहीं रोक पा रहे हैं। ये अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि सैनिकों का भी मनोबल गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर और तमाम माध्यमों करती है, रक्षा का बटन भजन भी घटाने काम कर रही है, इससे लोगों में काफी दुख तकलीफें भी है। हम लोगों को सैनिकों के साथ आज खड़ा होना चाहिए और इस देश में चाइनीज को निकाल करके उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सीमा से बाहर होना चाहिए। जिस तरीके से पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान ने बसुंधरा का दर्शन किया था, उसके बाद में उन्होंने जो नेता हैं बीजेपी वालों का बैन करने की बात कर रहे हैं मूवी को, क्या लगता है? बाकी शाहरुख खान ने पठान मूवी यहाँ पर क्यों जा रहा है, इस देश में एक झूठ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग जो लोग खैनी का प्रचार करते हैं, चाहे वो फलाने हो ढिकाने हो ढिकाने हो, देश गंधार है, लेकिन बसों में आप देखिए तो विमल गुट का विमल खैनी, तो ऐसे लोग हिंदुस्तान के लिए कभी भी इज्जत नहीं होंगे। इसके बारे में ज्यादा हम तो कुछ मत कहलवाइए।